दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। यूएन ने देश में मजबूत होते हुए आधारभूत ढांचे और निवेश के लिए अनुकूल माहौल पर मोदी सरकार के कामों को सराहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स नाम से जारी रिपोर्ट में यूएन ने कहा कि नोटबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ मंदी दिखी, लेकिन भारत के लिए यह संरचनात्मक सुधार काफी हद तक सकारात्मक रहा। यूएन के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% तथा 2019 में 7.4% हो जाएगी। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2018 में भारत का राजकोषीय घाटा 3.2% तक सिमट जाएगा और वर्ष 2019 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए 13 साल बाद देश की रेटिंग बढ़ाई थी। मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर Baa2 कर दिया था। मूडीज की रेटिंग के बाद देश भर में मोदी सरकार की जमकर तारीफ हुई थी और इस बार गुजरात के अंतिम चरण के मतदान से पहले यूएन की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।